तो जी श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, हम मौजूद हैं वृंदावन में और वृंदावन से हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसी 5 जगहें जो कि आपको यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। जी हाँ, इस वीडियो में चीला भी होगा, लस्सी भी होगी, आलू टिक्की भी होगी और चिंता मत कीजिए, पेड़ा भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो भाई, अगर आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद ये मेरी गारंटी है कि आपकी जो भूख है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आइए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। तो भाई, बांके बिहारी जी के हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि आपको वृंदावन में आके ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मैंने सुना है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लस्सी की बात करें, आप टिक्की की बात करें, भाई पेड़ा भी खा के जाएंगे, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करेंगे। आइए शुरू करते हैं। और आपको पता है ना आपको क्या करना है, एपिसोड पूरा देखना है ताकि आप कुछ मिस ना कर पाएं। टॉप 5 थिंग्स टू ट्राई इन वृंदावन, यू हैव टू वॉच द वीडियो, देखते रहिए। तो भाई दरअसल आपको जब आप बांके बिहारी मंदिर से बाहर आएंगे, जिस गली से बाहर आएंगे, कोने पे आपको एक शॉप दिखाई देगी जो कि श्री जी लस्सी भंडार से मौजूद है, यानी कि अजय विजय लस्सी भंडार से भी जानी जाती है। बहुत सारे आपको यहाँ पे लस्सी बेचने वाले मिल जाएंगे, लेकिन ये जो अंकल हैं ये दरअसल सिर्फ लस्सी ही बेचते हैं, और आज से नहीं, पिछले 65 साल से इनके पिताजी जो है लस्सी का काम करते आए हैं। और इनके पास आपको 2 तरीके की लस्सी मिलती है, आप चाहे तो मीठी ले लीजिए या नमकीन ले लीजिए, छोटे का भी ऑप्शन है, बड़े का भी है। तो छोटा जो गिलास है वो 40 रुपये का है और बड़ा जो है 50 का। और आपने देखा किस तरीके से उसको बनाया जाता है, पानी का बिल्कुल मिनिमम इस्तेमाल किया जाता है, दरअसल बर्फ़ डाल के इसको ठंडा भी किया जाता है और उसके बाद इसको लस्सी की फॉर्म भी दी जाती है। बहुत ही ज़्यादा थिक है ये लस्सी और ऊपर से डाला जाता है जी केसर और गुलाब। देखिए सुपर रिफ्रेशिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दोपहर के समय जब आप बाहर निकलते हैं आपको थोड़ी सी गर्माहट फील होती है, और आई थिंक द बेस्ट वे टू कूल यू डाउन इज दिस लस्सी, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है और 40 रुपये में एकदम आप कूल डाउन भी हो जाएंगे, रिफ्रेश भी हो जाएंगे, और आगे जो आप टिक्की खाने वाले हैं ना अभी आगे, उसके लिए आप तैयार भी हो जाएंगे। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पे वृंदावन की गलियों में, कान्हा की नगरी में आए हैं, बहुत कुछ है खाने को, आओ चलते हैं। तो भाई जैसे ही आप बांके बिहारी मंदिर से बाहर निकलते हैं, जिस गली से आप बाहर निकलेंगे उसके बिल्कुल सामने आपको मुकेश चाट भंडार दिखेगा, जो अपनी लस्सी और चाट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन मैंने सुना है इनकी जो टिक्की है, आलू टिक्की, वो सबसे ज़्यादा फेमस है इस मार्केट की। देखा आपने टिक्की को किस तरीके से पहले फ्राई किया जाता है, उसके बाद मटर डाले जाते हैं, उसके बाद 3 तरीके की चटनी का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद दही डाली जाती है और ऊपर से मसाला डाल के आपको सर्व की जाती है। आइए ट्राई करते हैं। तो भाई टिक्की खाने का मज़ा जो है वो करारा ही आता है, एकदम खस्ता आता है, और बिल्कुल वैसी ही टिक्की है। इसके ऊपर मटर डाल के दिए जाते हैं, जो अमूमन आप दिल्ली में नहीं देखते हैं, तो ये बहुत एक अनोखा और एक अच्छा तरीका है। इससे जो चटकारा है चाट का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, एकदम खस्ता, एकदम करारी, ऊपर से जो मीठी और खट्टी चटनी का इस्तेमाल किया है आई थिंक वो भी बड़ा मज़ेदार है। दही ऑप्शनल है, आप चाहें डलवा सकते हैं, और अगर आप टिक्की के ऊपर दही खाना नहीं पसंद करते तो नहीं लीजिएगा। तो भाई टॉप 5 लिस्ट में से ये एक रिकमेंडेशन है जो आपको आके ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और आपको वृंदावन आके क्या खाना चाहिए और क्या ट्राई करना चाहिए, आ जाइए। तो भाई हम आपके लिए तलाश रहे हैं 5 ऐसी चीज़ें जो कि वृंदावन में आके आपको ज़रूर खानी चाहिए, और अब हमारी तलाश जो है हमें लेके आई है भारती फूड्स पे, जो कि गोपीनाथ बाज़ार के अंदर स्थित है। और मैंने सुना है इनकी 2-3 आइटम ऐसी है, अगर आपने उसको नहीं खाया तो वृंदावन आके आपकी जो खाने की यात्रा है ना भाई वो कम्प्लीट नहीं हो सकती। जिनमें से एक है ये बाटी दाल और सब्ज़ी, आपने देखा किस तरीके से बाटी को बनाया जा रहा है, और सबसे बढ़िया बात है कि देसी घी का इस्तेमाल होता है भाई, प्योर रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आपको बाटी दी जाती है, यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी दी जाती है और दाल दी जाती है। आइए इसको ट्राई करते हैं, ये कितनी क्यूट सी बाटी है। तो बाटी को आप इस तरीके से हाथ से अच्छे से क्रश कर लीजिए, और जो दाल आपको दी गई है चटनी के साथ उसको इसके ऊपर डाल लीजिए इस तरीके से, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। तो इसके अंदर आपकी जो गोभी है वो भी है, दाल भी है, देसी घी का जो सौंधापन है वो भी है। आइए इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं कैसा इसका स्वाद है। वाह भाई, मुझे सबसे यूनिक तो लगा कि बाटी किस तरीके से इन्होंने शेप की है, और उसके बाद हर जगह पे दाल और बाटी का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको साथ में गोभी की सब्ज़ी भी दी जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से पकी हुई है, रली हुई है, और साथ में जब मिक्स होती है दाल बाटी और गोभी, आई थिंक मैच मेड इन हेवन है भाई, इसको ज़रूर ट्राई करना। 30 रुपये मात्र कीमत है अगर आप सिंगल बाटी लेते हैं, और 60 रुपये की 2। देसी की खुशबू अभी भी आ रही है, ताज़ी ताज़ी बाटी तैयार हो रही है पीछे। तो भाई एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे ट्राई करनी चाहिए वो है समोसा। देखिए कितना बड़ा इसमें पनीर का पीस है, साथ में इसके ड्राई फ्रूट्स भी जाते हैं, रेजिन जाते हैं, और उसके बाद काजू जाता है, और आलू भी बहुत बड़े, और 10 रुपये मात्र इसकी कीमत है। दरअसल बाकी जगहों पर आपको समोसे के साथ बस सिर्फ चटनी रख के दे दी जाती है, डाल के दे दी जाती है चटनी, और यहाँ पर समोसे को क्रश किया जाता है,
उसके अंदर आपको हरी चटनी और मीठी चटनी डाल के दी जाती है और उसके बाद आप इसको खाते हैं। आइए हम भी खाते हैं। भाई आई थिंक 10 रुपये के अंदर बहुत ही ज़्यादा फिलिंग समोसा है, और अगर आपको शाम की वो भूख लग रही है जब आप स्ट्रीट्स पे घूम रहे हैं तो आप इनका समोसा ज़रूर ट्राई करिए। आई एम श्योर दाल बाटी और समोसा देख के आपका कुछ मीठा खाने का भी मन कर रहा होगा, वो भी आपके लिए। आइए दिखाते हैं क्या है मीठा। तो भाई ये है वो राजभोग जो कि इनका बहुत ज़्यादा फेमस है, और मैं देख रहा था काफ़ी सारे लोग आ रहे थे और कुछ ले ना ले, लेकिन राजभोग ज़रूर लेके जा रहे थे मीठे में। तो राजभोग खाते हैं, पूरा तो नहीं खा पाऊंगा ऑफकोर्स, अगर आपको लग रहा था कि मैं पूरा खा जाऊंगा तो ये मजाक है, मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता। ये पूरा देखिए कितना लोडेड है, और मीठा तो भाई बहुत भरपूर है इसके अंदर। आइए इसको खाते हैं। भाई अब मुझे पता चला कि क्यों लोग राजभोग के इतने सारे दीवाने हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है इनका राजभोग, और 28 रुपये कीमत है। मीठा खाने के शौकीन है इसको ज़रूर लेके जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और हम आपके लिए क्या क्या जो हमने खाना यहाँ पे तलाशा है वो आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आपको वृंदावन आके ऐसी कौन सी टॉप 5 चीज़ें हैं जो अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। आइए खाइए, पेट का सवाल है, खाना तो बनता है, आइए चलते हैं। तो भाई एक और ऐसी चीज़ जो कि आपको वृंदावन आके ज़रूर ट्राई करनी चाहिए वो है जी ये मूंग दाल का चीला। जब आप दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारी जगहों पे मूंग दाल के चीला बेचने वाले मिल जाएंगे, तो हम आपके लिए लेके आए हैं दी बेस्ट मूंग दाल का चीला वाला, और ये यहाँ पे आपको मुकेश चीला वाला मिलेंगे जिनका चीला वन ऑफ दी बेस्ट इन वृंदावन है। देखा आपने किस तरीके से जो चीला है उसको बनाया जाता है। शादियों में जो आप खाते हैं उसमें सिर्फ पनीर और थोड़ी सी फिलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे देसी घी भी डलता है, मक्खन भी डलता है, उसके बाद इनका अपना मैश भी डलता है आलू का, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स भी है, पनीर भी है, बहुत कुछ जाता है भाई। और इसकी कीमत है 70 रुपये, सर्व की जाती है खट्टी और मीठी चटनी के साथ। आइए ट्राई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक आहार है, और अगर आपको शाम को बहुत तेज़ भूख लग रही है और अगर आप कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो आई थिंक इनका चीला ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। 70 रुपये कीमत है लेकिन बहुत ही बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे खाने के लिए और ट्राई करने के लिए, चलते हैं आगे। तो भाई 4 बेस्ट चीज़ें जो थी वो हमने आपको दिखा दी कौन कौन सी हैं। एंड ऑफकोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम वृंदावन में आएँ और आपको पेड़ा खा के ना दिखाएं, या पेड़े के बारे में ना बताएं, या ये ना बताएं कि वृंदावन में सबसे बेहतरीन दुकान कौन सी है जहाँ से आपको पेड़े लेने चाहिए। दरअसल पेड़े बेचने वाले तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और आपने देखा कितने सारे तरीकों के लोग यहाँ पे पेड़े भी तैयार करते हैं, लेकिन एक दुकान ऐसी है जो 1978 से अपने पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है जी, वो है ये बाकेलाल पेड़े वाले। इनका नाम ही पेड़े वाले करके है, और इनके जो पेड़े हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस और मशहूर हैं। मैंने इनसे जब पूछा कि कितनी वैरायटी के पेड़े हैं तो इन्होंने बोला भैया पेड़े तो एक ही वैरायटी के होते हैं जो असल पेड़े होते हैं, और बिना इलायची और बिना पिस्ते के जो पेड़ा है ना वो बन ही नहीं सकता, चाहे कोई आपको जितना मर्जी बेवकूफ़ बना ले। तो भैया अगर आपको ओरिजिनल पेड़े खाने हैं तो बाके बिहारी की दुकान पर ज़रूर आइएगा, इनके पेड़े लेके जाइएगा, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। 380 रुपये किलो है और प्योर मावे से ये तैयार किए जाते हैं, और मैंने भी कुछ खाने के लिए ले लिए हैं और पैक भी करा के ज़रूर लेके जाऊँगा। तो आइए पेड़े खाते हैं और आपको इसका स्वाद बताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें दानेदार चीनी है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं बूरे का इस्तेमाल करते हैं पेड़े के अंदर, जो बिल्कुल भी अच्छा स्वाद नहीं देता। दरअसल पेड़े खाने का मज़ा तभी है जब उसके अंदर वो क्रंच आए चीनी का, और वो खुशबू आए इलायची की, और उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जितना कि ज़्यादा उसको बनाने के समय पर रखा गया हो। मावे का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है भाई। आई थिंक 380 रुपीज़ अ केजी फॉर द बेस्ट पेड़ाज इन वृंदावन इस बाकेलाल पेड़े वाले। भैया आइएगा ज़रूर खाइएगा, और घर वालों के लिए भी पैक करा के ले जाइएगा। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी बेस्ट 5 प्लेसेज इन वृंदावन की, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में जाके बताइएगा कि क्या हमें ऐसी सीरीज़ और करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कमेंट कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खाते रहिए, खिलाते रहिए, और दिल लगाते रहिए। भाई अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे एक नए खाने की तलाश में। मैं पेड़े पैक करा लेता हूँ और घर लेके जाता हूँ। बाय बाय। भैया एक डब्बा पैक कर देना।